दोस्तों हम सभी को इंतजार था मोटोरोला की टीवी लॉन्च होने का और फाइनली अब मार्केट में वो लॉन्च हो गई है। तो क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, क्या है प्राइसिंग और कौन कौन से वेरिएंट में लॉन्च किया है, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इसी के साथ साथ घंटी भी बजाइए और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे मोटोरोला ने 5 नई टीवी लॉन्च की, या फिर बोल सकते हैं 5 नए नए वेरिएंट में लॉन्च किया है। तो पहला वेरिएंट है 32 इंच का, जो एक एचडी टीवी है, रेजोल्यूशन 720p का दिया गया है और जो प्राइसिंग रखी गई है वो 14,000 रुपए की रखी गई, मतलब 32 इंच की टीवी मोटोरोला की आपको मिलेगी 14,000 रुपए में फ्लिपकार्ट पे 29 सितंबर से। और बात करें अब दूसरे वेरिएंट की, तो यहां पर 43 इंच की फुल एचडी टीवी आपको देखने मिलेगी जिसका रेजोल्यूशन रखा हुआ 1080p और प्राइसिंग रखी है 25,000 रुपए के आसपास। ये बातें हो गई फुल एचडी और एचडी टीवी बारे में। अब बात कर लेते हैं मोटोरोला के 4K अल्ट्रा एचडी टीवी के बारे में। तो यहां पर जो पहला वेरिएंट निकल के आता है वो 50 इंच का है और ये 4K टीवी है और रेजोल्यूशन भी इसका 4K के हिसाब से दिया गया है। और बात करें इसके प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग यहां पे रखी गई है 50 इंच के 4K टीवी की 34,000 रुपीज, मतलब 34,000 रुपए में आपको 50 इंच की 4K अल्ट्रा एचडी टीवी देखने मिल जाएगी। बात करें अगले वेरिएंट के बारे में, तो यहां पर 55 इंच की 4K टीवी मोटोरोला ने लॉन्च की है और उसका प्राइसिंग रखा हुआ है 40,000 रुपए के आसपास। तो प्राइसिंग में अगर आप अगर ध्यान रखोगे, यहां पे 55 इंच की टीवी अगर आपको 40,000 रुपए की मिल रही है, मतलब मोटोरोला ने ये टीवी जो लॉन्च की है वो बजट कैटेगरी में लॉन्च की, या फिर बोल सकते हो बजट सेगमेंट में लॉन्च की है। तो उसके कॉम्पिटिटर भी सीधे सीधे ध्यान में आते हैं, एमआई, जेवीसी, थॉमसन और बहुत सारे ब्रांड आपको ध्यान में आते हैं जो उनके कॉम्पिटिटर होने वाले, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हो मोटोरोला ने जो 55 इंच की टीवी लॉन्च की है वो 40,000 रुपए रखी है। तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा अच्छी रखी हुई है। और बात करें सबसे लास्ट वेरिएंट की, जो 65 इंच की एकदम बड़ी वाली टीवी लॉन्च की है मोटोरोला ने, वो भी 4K अल्ट्रा एचडी टीवी है और प्राइसिंग भी उसका रखा हुआ है जितना उसका इंच का साइज है, मतलब 65 इंच की टीवी आपको 65,000 रुपीज में मिलने वाली है। तो ये सारी टीवी लॉन्च की है, मतलब टोटल 5 टीवी लॉन्च की है 5 वेरिएंट में और आपको 29 सितंबर से फ्लिपकार्ट पे देखने मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर एंड्रॉइड 9 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड दिया गया है इस टीवी में। इसी के साथ साथ अगर बात करूं ऑडियो आउटपुट की, तो यहां पे 30 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। और बात कर ले पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी के बारे में, तो यहां पे पिक्चर क्वालिटी के लिए यहां पे एचडीआर का सपोर्ट दिया गया है, इसी के साथ साथ डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। बात कर ले यहां पे साउंड टेक्नोलॉजी की, तो यहां पर डॉल्बी ऑडियो का टेक्नोलॉजी यूज किया, इसी के साथ ही साथ डीटीएस साउंड का भी टेक्नोलॉजी आपको इसी टीवी में देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ आपको फ्री गेमिंग पैड मिलता है, फ्री गेमिंग पैड के थ्रू आप मस्त से एंजॉय कर सकते हो, गेम खेल सकते हो मस्त ढिंचैक एकदम। और इसी के साथ ही साथ आपको बहुत सारे एप्स मिलेंगे, गेमिंग एप्स मिलेंगे जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी टीवी में या बहुत सारे ब्रांड में आपको प्ले स्टोर में गेम्स नहीं मिलते। तो यहां पर मोटोरोला ने क्लियरली मेंशन किया कि आपको अच्छे अच्छे गेम्स इस टीवी में देखने मिलेंगे। तो यहां पर मोटोरोला ने ये सारे स्पेसिफिकेशन अभी तक अनाउंस किए। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा काफी इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक मोटोरोला ने प्रोवाइड नहीं की, जैसे ब्राइटनेस नेट्स क्या होगी, एलईडी टाइप क्या है, पैनल कौन सा है, तो वैसे बहुत सारी चीजें अभी तक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है मोटोरोला के तरफ, जैसे भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेकआउट कीजिए। इसी के साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, जो आप बजट टीवीज होती है सबके बाइंग लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से जरूर चेकआउट कर सकते हो और ध्यान रखिए कि आप वहां से परचेज भी कर सकते हो, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मोटोरोला टीवी के बारे में आप सभी का क्या मानना है मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ही साथ अगर आपका कुछ सवाल या कोई भी सुझाव हो तो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाना क्योंकि नोटिफिकेशन मिलना बहुत जरूरी है हमारे वीडियोस के लिए। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आईडी है हैप्पी गाइड। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।